एक आवश्यक सूचना जो है सोनालिका के नए कदम को लेकर। सोनालिका ट्रैक्टर्स ने अपने ट्रैक्टर्स की कीमत वेबसाइट पर ऊपर कर दी है। अब किसान भाई अपने घर बैठे ही अपने मोबाइल से सोनालिका की वेबसाइट पर जाकर अपने मनपसंद सोनालिका ट्रैक्टर की कीमत के बारे में जानकारी ले सकता है। यह कदम जरूरी है, ट्रैक्टर्स की कीमतों में पारदर्शिता लाएगा और किसान भाई के लिए फायदेमंद साबित होगा। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद। नमस्कार मेरे किसान भाइयों, बहुत शानदार ट्रैक्टर की वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए। और ये देख लीजिए, दो वेरिएंट मिलेंगे आपको। सोनालिका टाइगर 50 है, ये आपको बिना सेडल गियर वाला मिलेगा। हाई लो मीडियम गियर है ये ट्रैक्टर। और दूसरी तरफ ये रहा, ये टॉप मॉडल मिलेगा आपको, इसमें सेडल गियर मिलेगा आपको। ये देख लीजिए, फॉरवर्ड और रिवर्स यहाँ पे कंपनी ने दे रखा है। मतलब कि आप इस गियर को आगे करेंगे तो ट्रैक्टर जो भी गियर में है, मान लीजिए कि एच के पहले या दूसरे तीसरे चौथे जो भी गियर में है, तो उसी स्पीड से आगे जाएगा, और उसी स्पीड से अगर आप पीछे करेंगे तो पीछे आएगा। ये टॉप मॉडल है, इसमें आपको प्लेन प्लेटफार्म मिलेगा, और उसमें आपको देख लीजिए प्लेन प्लेटफार्म नहीं मिलेगा, थोड़ा उभार वहाँ पर कंपनी ने दिया हुआ है। और इसमें आपको 4A कूलिंग सिस्टम मिलेगा, मतलब ये देखिए यहाँ से भी हवा जाएगी, यहाँ से भी जाएगी और ऊपर से भी जाएगी, तो ट्रैक्टर गर्म वगैरह नहीं होगा। अपने पास किसान भाई भी हैं, उनसे बात करेंगे कि उन्होंने ये ट्रैक्टर लिया, कितना समय हो गया और क्या क्या सुविधा ट्रैक्टर की मिली, और चलाने में उनको ये कैसा लगा। क्या हाल है भाई साहब, क्या नाम है जी आपका? अमरचंद। और आपका क्या नाम है? सुरेंद्र। आपका वो बिना शटल गियर वाला ट्रैक्टर है। तो मेरे किसान भाइयों, ये दो वेरिएंट है, आप देख लीजिए, आप अपनी सुविधा के हिसाब से ट्रैक्टर ले सकते हैं। अगर आपको टॉप की आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप टॉप ले सकते हैं, और उसके अलावा वो ले सकते हैं अगर आपकी टॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है। कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, इंजन की पावर आपको सेम मिलेगी, जो अंतर है वो मैंने दिखा दिया। थोड़ी शो में अंतर मिलेगा आपको, और इसमें शो आपको कुछ इस प्रकार से मिलेगी। थोड़ा लाइटिंग का फ़र्क मिलेगा, जैसे मडगाड़ पे लाइट ये इस प्रकार से है, और उस पर थोड़ा अलग मिलेगी। तो छोटा छोटा बदलाव है, इंजन की पावर है जो आपको वो दोनों ही ट्रैक्टरों में सेम मिलेगी। छोटा इंजन मिलेगा, मतलब जो 3000 cc का इंजन है, जो मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार इंजन होता है, इस ट्रैक्टर में 3065 cc का इंजन मिलेगा। ना ही तो मेरे किसान भाइयों छोटा है और ना ही बड़ा। तो अब किसान भाई से बात करते हैं कि कौन कौन से इम्प्लीमेंट में चलाया है, कितना समय हो गया, और ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस कैसी रही, ट्रैक्टर गर्म होता है या नहीं होता, लिफ्ट सेंसिंग, हाइड्रोलिक पावर, और जो बैठने में कंफर्टेबल है वो कैसा लगा। तो पहले अमरचंद भाई आपसे बात करते हैं, तो ये कैसा लगा ट्रैक्टर आपको चलाने में? ठीक है भाई, लंबे समय तक चलाते हो जब आप, कहीं पर कोई दिक्कत वगैरह कुछ नहीं? कोई दिक्कत नहीं। और आपको? कोई दिक्कत नहीं भाई। आपके बीच में थोड़ा वो उभार है, वो कोई दिक्कत आती है कहीं पे? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। और आप दोनों किसान हो और खेती में दोनों ट्रैक्टरों को आप चलाते हो, तो कौन कौन से इम्प्लीमेंट में आपने चलाया है, पहले आप बता दीजिए। इसको जैसे बाइक के अंदर चलता ही है। हाँ हाँ। और कंपेन के अंदर, मिनी कंपेन के अंदर चलाया है। मिनी कंपाइन में आपने चलाया है, और तूड़ी वाली मशीन में चलाया है। तूड़ी वाली मशीन में। तो क्या रिस्पांस लगा आपको ट्रैक्टर का? ठीक लगा। और आपने कौन कौन से में चलाया है? मैंने तोता प्लाऊ सभी में चलाया है। अच्छा, तोता हल, कल्टीवेटर हल हो गया, मतलब कल्टीवेटर हल एक ही चीज हो गया। अच्छा, जाल, मतलब वो किसान भाइयों आपकी वीडियो में आ रही है स्क्रीन पे, जाल क्या होती है, मतलब भूसा होता है जैसे लकड़ी का, और काट के लेके जाते हैं तो वो मतलब जाल में भरते हैं, आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, इसको जाल कहते हैं। तो जाल को आप दूर दूर भी ले जाते होगे? तो क्या फ्यूल खपत आई ट्रैक्टर की? 7 लीटर की एवरेज देगा भी, टोटल आना जाना 7 लीटर में हो जाता है। ठीक है। और कहीं लोड वगैरह में ट्रैक्टर कहीं दबने की शिकायत? मतलब आपके तो मेन दिक्कत वही होती है भाई, एक बारी तो खेत से निकालने में दिक्कत आती है, और निकाल लेता है आराम से, और सड़क पे तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ये राजा ट्रैक्टर है। तो कितना लोड लेके जाते हो आप? लोड 135, 100 से ऊपर जाते, मतलब 100 क्विंटल से ऊपर। ठीक है। तो अमरचंद भाई, आप खेती में ज़्यादा चलाते हो और आप किराए पर ज़्यादा चलाते हो? ठीक है, दोनों ऐसे चलता है, किराए में खेती में।
अच्छा खेती में काम है। अच्छा ऑलराउंडर काम है, तो ऑलराउंडर काम के लिए तो ये थोड़ा आपको लगता नहीं है कि बड़ा ट्रैक्टर है? नहीं कोई तो, बड़ा नहीं, हम स्प्रे करने जाते हैं, ड्रम में ही चलाते हैं इसको। बचत है? बिल्कुल है, बिल्कुल बचत है। ठीक है, तो और एवरेज बता दीजिए आप किसान भाइयों को, मतलब आप तोता हल चलाते हो तो उस तोता में कितना एवरेज आती है? वो तो जैसे जमीन जमीन का फर्क होता है। मतलब आपकी यहाँ पे थोड़ी रेतली जमीन है, इस हिसाब से आप बता दीजिए। दो एक लीटर के अंदर मार देता है तोता। दो लीटर आपने चलाए हैं? दो लीटर में मार देता। दो लीटर में, ठीक है। और हल की क्या एवरेज है? लीटर की आती है, लीटर की हल की एवरेज आती है एक बीघे की। हमारे राजस्थान में मेरे किसान भाइयों बीघा होता है 165x165 फुट का, तो आप अपने एरिया के हिसाब से उस जोड़ घटाव कर लीजिए। और हैरो वगैरह में आप चलाते हो? हाँ जी हम चलाते हैं। क्या एवरेज आती है? लीटर से थोड़ा बहुत कम, लीटर से आता है, लीटर के आसपास ही। मतलब हल चलाओ चाहे तो भी चलाओ, हैरो चलाओ, मतलब एक सी फर्क है, यही बात है अमरचंद भाई? ठीक है। और ट्रॉली की तो आपने बता दी साथ की आ गई, और एक लीटर में 7 किलोमीटर जाएगा भाई, 1 लीटर में 7 किलोमीटर जाएगा, मतलब एवरेज आ जाती है। भरी की क्या आ जाती है वैसे? भरी की यही 5 के आसपास, और जब खाली होता है तो वो आ जाती है 8-9 से ऊपर चलना जाता है, मतलब 9 के आसपास ये ट्रैक्टर चला जाता है 1 लीटर में। तो मेरे किसान भाइयों आप देख लीजिए, किसान भाई से बात कर रहे हैं, आसपास में किसान भाई खड़े भी हैं, तो आपको ये ट्रैक्टर कैसा लगता है भाई ये आप बताइए, कि आप देख चलाते अच्छा हो देखते हो, ठीक लगता है आपको? तो ये जो कह रहे हैं वो से आप सहमत हो? ठीक है। हाँ माई, तो आपको कैसा लगा ये ट्रैक्टर? अच्छा लगा भाई, भाई साहब बता रहे हैं बहुत अच्छा है, तो अच्छा ही है, अच्छा ही है, अभी तक चला देखा नहीं है। अच्छा, झूठ क्यों बोले, वीडियो का सामने आकर नहीं तो चलाती है, उसे कोई पता होता है इतने में इतना वालता है, इतने नहीं, आपने चलता हुआ तो देखा होगा इसे, हुआ तो देखा है। चलने में कैसा है फिर ये? चलना में तो बहुत अच्छा है अभी से, तो और जो पुराना होगा तो उसके बाद में कोई पता चलेगा, और पता चलेगा वो बुढ़ापे में पता चलेगा, बुढ़ापे में पता चलता है। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए आप ठीक बता रहे हो, चलो ठीक है। तो मेरे किसान भाइयों ट्रैक्टर के बारे में थोड़ा सा और बता दूं मैं आपको, पावर स्टीयरिंग मिलेगा आपको, 7 के टायर मिलेंगे, 14 के टायर मिलेंगे, आप 16 का भी ऑप्शन ले सकते हैं, 3065 cc का इंजन मिलेगा, 2000 rpm मिलेंगे आपको, सिंगल पीस आपको ट्रैक्टर में कंपनी बोनेट दे रही है, यहाँ से आप देख लीजिए सिस्टम है, कहाँ पे खोलिए इसको आप, यहाँ से ये सिस्टम है, सिंगल पीस बोनेट मिलेगा आपको ट्रैक्टर में, आगे बैटरी मिलेगी, वजन भी कंपनी दे रही है, बैटरी आगे होगी और वजन हो गया, बम्फर हो गया तो ट्रैक्टर की लिफ्टिंग थोड़ी कम होगी, आपको जाले भी कंपनी दे रही है, आसानी से साफ कर पाएंगे, ड्राई टाइप आपको एयर क्लीनर मिलेगा, कूलेंट बॉक्स मिलेगा, ये देख लीजिए बोस का पंप मिलेगा, इनलाइन पंप है, शानदार ट्रैक्टर है, वाटर सेपरेटर भी कंपनी दे रही है। फ्यूल कैपेसिटी कितनी है इसकी? 55 लीटर की आपको फ्यूल की कैपेसिटी मिलेगी, शानदार टाइप से आपको यहाँ पे टाइगर लिखा मिलेगा, 205 Nm टोर कंपनी लिख के भी दे रही है, 52 HP कैटेगरी आ गई, ये देख लीजिए सिंगल फुट स्टेप के साथ आप चढ़ पाएंगे, बिल्कुल प्लेन प्लेटफार्म आपको कंपनी दे रही है, यहाँ से पकड़ के आप चढ़ भी पाएंगे, शानदार। ये देख लीजिए आपको डैशबोर्ड मिलेगा, बैठने में कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, काफ़ी खुला डुला प्लेटफार्म कंपनी ने दिया है ट्रैक्टर में, ये देख लीजिए कुछ इस प्रकार से आप, और हाई लो मीडियम ये ट्रैक्टर है मेरे किसान भाइयों, ये देख लीजिए, और शडल गियर ये रहा, ये मैंने आपको बता ही दिया था कि इस गियर का क्या प्रयोग आप कर सकते हैं, किसान भाई से भी आगे बात करेंगे, ये देख लीजिए पीसी लीवर डीसी लीवर हाथ के पास में मिल जाएंगे, और आपको डिस्ट्रीब्यूटर लीवर भी कंपनी ट्रैक्टर में दे रही है, शानदार एडजस्टेबल सीट कंपनी दे रही है। जब आप खेत में जुताई करते हो ट्रैक्टर को तो कंट्रोल से ही करते हो, तो इसका लिफ्ट सेंसिंग कैसी लगी आपको? अच्छी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जब बिजाई वगैरह करते हो खेत में तो एक समान बीज डलता है, एक समान उगाव होता है, ठीक है। और ये देख लीजिए आपको मैं SFC प्लेट दिखाता हूँ, एक मिनट, ये मेरे किसान भाइयों 50 HP ट्रैक्टर है, 52 HP इसकी कैटेगरी आ गई, मतलब कोई भी 52 HP ट्रैक्टर से आसानी से टक्कर
ले सकता है। तो ये 34.2 है, ये मैक्स पीटीओ पावर है। ओरिजिनल पीटीओ पावर आपको 45.46 की मिलेगी, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। 50 एचपी के ट्रैक्टर में आपको लगभग 46 एचपी की पीटीओ पावर मिलेगी, 4 ही एचपी ड्रॉप हो रही है। और वो देख लीजिए 250, ये 250 मेरे किसान भाइयों एसएफसी है ट्रैक्टर की, जो फ्यूल खपत करने का जो मापक है ये कंपनी ने बनाया है, तो बहुत ही शानदार है। तो फ्यूल खपत ये और भी कम करेगा, शानदार आपको एलईडी लाइट मिलेगी। 16 का भी टायर ऑप्शन है, आप ले सकते हैं। एडजस्टेबल हुक मिलेगा, 3 सेंसिंग पॉइंट मिलेगी, अपने एरिया की मिट्टी के हिसाब से सेम गहराई पर जुताई भी कर सकते हैं। शानदार मजबूत एक्सल मिलेगा, स्टे बार आपको दोनों तरफ मिल जाएगी, आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं मेरे किसान भाइयों। और 50 एचपी का जो ट्रैक्टर है उसमें सबसे पहले इसी कंपनी ने, मतलब टाइगर ने 16 के टायर निकाले थे, बाद में तो और भी कंपनियों ने 16 के टायर देने लग गए थे अपने ट्रैक्टरों में। तो ये टॉप वेरिएंट है, तो इसमें आपको इस प्रकार से मिलेगी, ये टॉप वेरिएंट नहीं है तो इस प्रकार से मिलेगी आपको लाइट, मतलब आप वेरिएशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको टॉप वेरिएंट नहीं चाहिए, ये ही ट्रैक्टर चाहिए, तो आपको आप अपने पैसों की बचत करके सेकंड नंबर वाला ले सकते हैं, आपके पैसों की बचत होगी। और ये लाइट सिस्टम भी शानदार है, आप पीछे से ही लाइट को जला सकते हैं, तो देख लीजिए। और डबल पंप कंपनी ट्रैक्टर में दे रही है, तो बाई चांस आपका पंप ख़राब हो गया तो दोनों चेंज नहीं करवाने पड़ेंगे, ये ख़राब हो गया तो ये करवाना पड़ेगा, ये ख़राब हो गया तो ये करवाना पड़ेगा, वरना कुछ ट्रैक्टरों में देखते हैं एक के पीछे एक लगा होता है, उससे एक ख़राब हो गया तो दोनों ही चेंज कराने पड़ेंगे। तो यहाँ पर भी कंपनी ने बहुत अच्छा काम किया है और आपका खर्चा भी बचेगा। एक फिल्टर ये रहा, एक फिल्टर ये रहा, जो साफ ऑयल है वो ही यूज़ होगा। और अब जब भी आप ब्रेक लगाएंगे तो ये लाइट देख लीजिए खींच जाएगी और पीछे इंडिकेटर जल जाएंगे, कोई भी भाई पीछे आ रहा है तो उसको पता चल जाएगा कि आपने ब्रेक लगाया है। शानदार ट्रैक्टर है मेरे किसान भाइयों टाइगर। और क्या चीज़, थोड़ा सामने आइए, ये भाई बता रहे हैं किसान, एक जो टॉप मॉडल बिम गियर पर पीटीओ चलाएं, गियर पर पीटीओ चलाएं। अच्छा, ये ऑप्शनली आ गया, अगर आप लेना चाहें तो आप गियरों पे भी पीटीओ चला सकते हैं, मल्टी स्पीड पीटीओ का भी आपको ऑप्शन ट्रैक्टर में मिल जाएगा मेरे किसान भाइयों, यही किसान भाई कहना चाह रहे हैं। और तो अब मेरे किसान भाइयों आप दोनों इधर आ जाइए, अमरचंद भाई इधर आना। तो आप ये बताइए और किसान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे इस ट्रैक्टर के बारे में, टाइगर 50 के बारे में, भाई आप दोनों किसान भाई हो, आप भी पास में खड़े हो, माइक थोड़ा जा रहे हैं, तो आप बताइए कि ये ट्रैक्टर कैसा है और किसान भाइयों को आप क्या राय देना चाहेंगे ट्रैक्टर के बारे में, ट्रैक्टर अच्छा है बुरा है, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे, पहले आप बताइए। बढ़िया है ट्रैक्टर, लेना चाहिए ट्रैक्टर, बढ़िया ट्रैक्टर है लेना चाहिए। और आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है, वो तो आपने आपके हिसाब से घर देख के, और हाँ वो अपना जेब देख के, घर देख के, अपना काम देख के, ट्रैक्टर के मतलब ट्रैक्टर में कमी नहीं है, ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है, ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं। तो मेरे किसान भाइयों ये जानकारी है मेरी तरफ से आपके लिए, ट्रैक्टर को आप देख सकते हैं, शानदार ट्रैक्टर है किसान भाई ने कहा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए ताकि और किसान भाई देख सके। तो ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो नए ट्रैक्टर नई जानकारी के साथ। संस्था पत्र पर विचार और राय पूर्ण रूप से व्यक्तिगत उपयोगकर्ता के हैं और हमारे विचारों और राय को नहीं दर्शाते हैं, अनुभवी शिक्षक उपयोगकर्ता के लिए व्यक्तिगत है और जरूरी नहीं है कि वह इस उत्पाद के सभी उपयोगकर्ताओं के प्रतिनिधि हो, हम उनके उत्पाद उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र को कॉल करने और उसी के लिए कंपनी से मुआवजा प्राप्त करने के लिए कंपनी से जुड़े हैं, जिन उपयोगकर्ताओं के प्रशंसा पत्र शामिल है उन्हें कंपनी आम से किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता है।